क्यों नहीं खा रहे बाबा? मैं बहुत परेशान हूँ मीना। चावल के बीज खरीदने के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। मगर बीज तो अभी बोने हैं। मुझे पता है, बनिए से बीज उधार लेने पड़ेंगे, पर ये उधार मैं उसको चुकाऊंगा कैसे? हे भगवान, मैं भी कुछ काम कर लेती, मगर मीना की दादी भी गई हुई है, इस बच्ची को कौन देखेगा? लेकिन अब हम क्या करें? मीना का स्कूल जाना तो छोड़ा नहीं सकते। नहीं छोड़ सकते। नहीं नहीं, मैं स्कूल नहीं छोड़ना चाहती। मीना चाहता तो मैं भी नहीं, पर और कोई दूसरा चारा भी तो नहीं। अच्छा, अब मैं बनिया के पास चलता हूँ। हम भी चलेंगे। ₹800, ₹900, ₹1000 बहुत अच्छे। बोलिए, कैसे आना हुआ? जी, आप तो जानते ही हैं, ये चावल बोने का वक्त है, मुझे एक बोरी बीज उधार चाहिए। उधार? लेकिन तुम्हारे ऊपर तो पहले ही बहुत उधार है। जी जी, मैं आपके पाई पाई चुका दूंगा। लेकिन ये रकम बहुत बड़ी है, तुम्हें अंगूठा लगाना होगा। ठीक है, जरा रुको, अब मैं रकम वही में चढ़ा लूं। बीज की कीमत और ब्याज मिलाकर ₹800 होंगे। मुझे फसल होने पर सारा पैसा वापस चाहिए। हाँ। अब यहाँ लगाओ अंगूठा। रुकिए बाबा, यहाँ 800 नहीं 1800 रुपए लिखे हैं। क्या कमबख्त, आजकल मुझे ठीक से दिखाई ही नहीं देता। बेकार की गलती। बेकार की गलती है? अब ठीक है? हाँ हाँ, 800 रुपए। लगता है तुम स्कूल जाती हो। हाँ, मीना स्कूल में बहुत से काम की बातें सीख रही है। अच्छा, हम चलते हैं। आओ मीना। अरे वाह, तुमने तो बड़ी होशियारी से बनिया की चालाकी पकड़ी। बस अब हम समय पर ये रुपया लौटा दें, ताकि तुम्हारी माँ को काम पर न जाना पड़े। नहीं तो मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा, है ना बाबा? ऐसा तो मैं भी नहीं चाहता बेटे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम स्कूल जाती रहो। पर बाबा, हम क्या करेंगे? ये तो पता नहीं बेटे, चलो कुछ सोचते हैं। हाँ, नमस्ते। क्या बात है मीना, तुम उदास क्यों हो? लगता है मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। अरे नहीं, ऐसा क्यों कहती हो? माँ को शायद काम पर जाना पड़े, फिर मुझे अपनी छोटी बहन को संभालना पड़ेगा। मुझे स्कूल अच्छा लगता है, मैं स्कूल नहीं छोड़ना चाहती। बिल्कुल नहीं छोड़ना, पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं क्या करूं? चलो तुम्हारे घर चलते हैं, तुम्हारे माँ और बाबा से बात करते हैं। आपको बाहर काम के लिए जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पर ही कोई काम शुरू कर सकती हैं। आजकल बैंक इस काम के लिए रुपया उधार देते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? आप लोग आपस में सलाह कर लीजिए, जब फैसला कर लें कि क्या करना है, तो उधार के लिए अर्जी लिख देंगे। भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सुना है बैंक से उधार मिलने में तो काफी मुश्किल होती है। हाँ, आसान तो नहीं है, पर कोशिश करने में क्या हर्ज है? सब सोचो क्या करना है। साइकिल ले लेते हैं। ओ राजू, सिलाई की मशीन क्यों ना ले ले? गाँव में तो पहले से ही बहुत सारे दर्जी हैं। हाँ, ये तो है। गाय क्यों ना खरीद ले, उसका दूध बेचेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। हम लाल गाय लेंगे और उसका नाम लाली रखेंगे। हाँ, और राजू साइकिल भी खरीदेंगे, ताकि तुम्हारे बाबा दूध बाजार ले जा सकें। माँ को पैसा मिल जाए तो कितना अच्छा हो। तुमको भी पैसा मिला क्या? नहीं नहीं, मेरी माँ को पैसा मिला है ना। बढ़िया बात, सूद भी कम और पैसा लौटाने के लिए एक साल का समय भी। hmm,
चला रही हो, आगे क्या इरादा है? ये शोर कैसा? मेरी माँ ने गाय खरीदी है, वो इसका दूध बेचेंगी। रुपया पैसा कमाना औरतों का काम नहीं। मैं काम नहीं करती। तुम्हारा ये बदतमीज तोता। मैं हूँ बिट्टू। याद रखना, अगर तुमने महीने के आखिर में सूरज डूबने से पहले मेरा सारा कर्जा नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारी गाय, बछड़ा और ये मनहूस तोता भी ले जाऊंगा और इसे सर्कस वालों को भेज दूंगा। ओ, नहीं नहीं। याद रखना, सूरज डूबने से पहले। ये लो आज का दूध। मैं इसे अभी शहर जाकर बेच आता हूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरा बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। शाम को बनिया अपनी रकम लेने आएगा। लगता नहीं कि हमारे पास देने को पूरी रकम है। मीना, अब तक कितना रुपया जमा हुआ? बैंक की किश्त देने के बाद 600 रुपए बचे हैं। बड़ा अच्छा हुआ जो तुमने स्कूल में हिसाब किताब भी सीख लिया। पर बनिए को देने के लिए अभी 200 रुपए और चाहिए। हम उसे मिट्ठू, लाली और बछड़े को नहीं ले जाने देंगे। दूध की दुकान से कुछ बकाया रकम लेनी है, मगर मैं तो बीमार पड़ा हूँ, जा नहीं सकता। पापा, हम दोनों चले जाएं? हाँ हाँ, तुम दोनों जाओ। चलो राजू। गाय, बछड़ा और वो तोता लेने आया हूँ। थोड़ी देर रुकिए, रुपए अभी आ जाएंगे। नहीं, सूरज छिपने को है, मैं इसी वक्त तुम्हारे जानवर लिए जा रहा हूँ। मीना, देर हो रही है, और तेज चलाओ। तेज और तेज। अब और तेज नहीं चला सकती, मैं बहुत थक गई हूँ। और वो तोता कहाँ है? उफ, सूरज तो डूबने को है, अब तो देर जरूर होगी। मिट्ठू, ये लो रुपए, जल्दी से माँ के पास ले जाओ। माँ के पास? ठहरो, पकड़ो अपने रुपए। अरे, कहाँ इतने पैसे? कहाँ से क्या, दूध बेचकर जमा किए हैं। औरतों को व्यापार से दूर ही रहना चाहिए। क्यों दूर रहें? हमने भी पूरा साथ दिया है। हाँ, मीना और उसकी माँ ने पूरी मदद की है, अब मुझे तुमसे कभी उधार नहीं लेना पड़ेगा। लगता है ये सब मीना की करतूत है। तुम्हारी बेटी स्कूल में कुछ ज्यादा ही सीख रही है। बेकार की गलती है। मैं तो जाता हूँ यहाँ से। मीना, अब तो तुम्हारा स्कूल जाना पक्का हो गया। एकदम पक्का। बोलो भाई मिट्ठू, अब तुम सर्कस में तो नहीं जाओगे ना?
में सजाती हैं, पूरे करें उनको मन चाहा अवसर दो। सोचो फिर सोचो घर की लड़ाई।